व्हेन यू आर डेवलपिंग अ गेम एंड जब गेम लॉन्च हो जाता है, राइट? जब गेम लॉन्च हो जाता है और या फिर उसकी टेस्टिंग आप कर रहे होते हो, उस टाइम पे आपको पता चलता है कि हमने जिस हिसाब से गेम बनाया था प्लेयर्स उसको प्रॉब्ली उस हिसाब से खेल नहीं रहे हैं, राइट? राइट राइट। कि इसमें आपने अभी बीच में मेंशन किया था कि ट्यूटोरियल, तो आपके हिसाब से एक ट्यूटोरियल को कैसे बनाना चाहिए और ट्यूटोरियल की इम्पोर्टेंस क्या है? राइट, सो ये हुआ था लेजेंड ऑफ जेल्डा के साथ। तो उनके ना गेम प्ले में कुछ ऐसे टावर्स थे जो प्लेयर्स को रीच करने होते थे। तो उसमें जब डेवलपर्स ने चेकआउट किया एंड लाइक प्ले टेस्टिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है गेम की, वो हमें मतलब हम जो सोच रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट होता है कभी कभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उस हिसाब से। तो उन्हें ये पता चला कि प्लेयर्स जो है वो डायरेक्टली टावर्स तक नहीं जा रहे, वो साइड क्वेस्ट कर रहे हैं, साइड क्वेस्ट कंप्लीट करके टावर्स को देख रहे हैं। उस टाइम पे दो चीज़ें थी, एक तो टावर्स की विजिबिलिटी और दूसरी साइड क्वेस्ट का पास होना। तो ये दोनों चीजें उन्होंने एक हीट मैप से शायद कुछ स्टडी किया, तो उन्हें जो साइड क्वेस्ट के अराउंड था वो हीट मैप उनको ज्यादा लगा, तो उनको उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने मैप में थोड़े मॉडिफिकेशंस किए, प्लेयर को स्टडी किया एंड देन लैंडस्केप को उस अराउंड मॉडिफाई किया कि अगर आप एक जगह पे खड़े हैं तो उसका सीन सेटअप इस तरह से रहे कि आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने दिखे। लाइक उसको पहाड़ की साइड ऐसे शेप कर दिया कि लाइक उसके एज पे वो आपको पॉइंट कर रहा है, नॉट इंटेंशनली बट इनडायरेक्टली आपको पॉइंट कर रहा है कि ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है एंड अराउंड दैट उन्होंने प्लेस करना स्टार्ट किया जो साइड क्वेस्ट है। उसके बाद भी जो प्लेयर्स थे वो सिंस वी नो प्लेयर्स आर अट्रैक्टेड टू लाइक वो लाइट की तरफ देख के उसके इसके तरह चले जाते हैं, देन वो चीजें फिर से स्किप होने लगी। तो उन्होंने एनिमीज को इस तरह से मॉडिफाई किया कि अगर आप उस लेवल पे जा रहे हो तो यू हैव टू फाइट हार्डर, वहाँ के एनिमी ज्यादा एग्रेसिव होंगे, ज्यादा अलर्ट होंगे। बट इफ यू कंप्लीट द साइड क्वेस्ट यू अचीव सम इन गेम रिवॉर्ड्स और सम स्वॉर्ड्स और समथिंग दैट गोना हेल्प यू इन आगे के प्रोग्रेशन। तो ये चीजें लाइक प्ले टेस्टिंग के थ्रू ही आई। व्हाट वी थिंक एज अ डेवलपर और अ डिजाइनर इज लिमिटेड अप टू अस ओनली। प्ले टेस्टिंग एक ऐसा पार्ट है जहाँ हमें बहुत सारी चीजें प्लेयर के साइड से पता चलती है, काफी नेगेटिव भी होती है, काफी पॉजिटिव भी होती है। इट्स अप टू अस कि हम उसको कैसे टेकअप कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हमने उसको सही से टेकअप किया, सही से अप्रोच किया, इट कैन हैविली बिल्ड द गेम। और अगर कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो वो हमारा डाउनफॉल का कारण भी बन सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले टेस्ट। सबसे नेगेटिव कमेंट और सबसे पॉजिटिव कमेंट आपको अब तक कौन सा मिला है? सबसे नेगेटिव कमेंट तो ऐसा कुछ नहीं था, सारे मिले जुले ही रहते थे कि हाँ क्या घटिया गेम है, कुछ है नहीं, ये तो जस्ट कॉपी है इस मैकेनिक का। लाइक हम वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, एक हिल क्लाइंब रेसिंग का एक रिप ऑफ था, तो उसमें हम पैसेंजर्स को पिकअप एंड ड्रॉप करते थे। तो इट वाज लाइक कि वो सिंस वो हिल्स के अराउंड था तो इट वाज एक डायरेक्ट कंपेरिजन था कि हाँ ये तो डायरेक्ट उसका कॉपी है, रिप ऑफ है। बट जो एक्सपीरियंस हम बिल्डअप करना चाहते थे वो प्लेयर्स परसीव ही नहीं कर पा रहे थे। तो उसके अराउंड हमने थोड़े मोरे गेम प्ले चेंजेस किए, उस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया एंड देन लाइक सम प्लेयर सेड कि हाँ उस प्रोसेस में हमने काफ़ी चीज़ें अपनी तरह से लगाई। जैसे हमने लैंडस्केप उस हिसाब से लगाया, हमने सीखा कि पर्लिन नॉइज वगैरह ये सब यूज करके हम अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं उन चीज़ों को मॉडिफाई। और हमने कंट्रोल्स पे काफ़ी मेहनत की, जो हिल क्लाइंब कंट्रोल अचीव कर रहा था हमने उसके अराउंड ही रखने के सोचा और कुछ अपने मॉडिफिकेशंस लगाए कि हम मीनवाइल हम पैसेंजर्स को पिकअप करके स्टंट भी कर सकते हैं। सम पैसेंजर्स हु इज लाइकिंग दैट विल गिव अस मोर मनी, अरे भैया बहुत अच्छा स्टंट है, ऐसे करके। तो वो हमने छोटे छोटे फीडबैक्स देने स्टार्ट किए। तो उस पर कमेंट आया था, इसी चीज़ को लेके उन्होंने मेंशन किया था कि हाँ इसमें छोटे छोटे इंट्रैक्शन जो हैं जब स्टंट करते हैं या फिर जब लैंड करते हैं या फिर जब ड्रॉप करते हैं, इन चीज़ों को लेके वो फीडबैक जो आता है वो प्लेयर्स को काफ़ी अच्छा लगा। उसके कंट्रोल्स के ऊपर जब फीडबैक आया वो सुन के लाइक ऐसा आहा मोमेंट था वो कि हाँ दिस इज वट वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एंड दैट वट केम आउट इज एक्चुअली गुड। तो वो फीडबैक देना प्लेयर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।